नमस्कार भैया, कैसे हैं आप सब? हम हैं धर्म दुबे, आप देख रहे हैं देसी भारत, हर घर भारत, हर दिल भारत। बहुत ही बढ़िया वाली बड़ी खबर के साथ हम हाजिर हो गए हैं। खबर सीधे सीधे भोजपुरी के महानायक रवि किशन साहब की, जो सांसद भी हैं। अरे आपको पता है, रवि किशन जी को वाई श्रेणी की सुरक्षा दी गई है, यानी कम से कम 12 से 13 गार्ड बहुत बढ़िया वाले गनों लेके दिन भर उनकी सुरक्षा करेंगे। और ई मेहरबानी ना उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी किए हैं। दरअसल रवि किशन उस लायक है भी तो, बहुत ज्यादा वाला काम कर दिया है भाई। बॉलीवुड से ड्रग कनेक्शन को एकदम खात्मा करने का सोच रखा है। संसद में इतनी बड़ी आवाज उठा दी कि उनकी पूरी खिलाफत ही लोग करने लग गए ना। अरे जया बच्चन तो रवि किशन को ये तक कह दी कि भैया जौने थाली में खाते हैं उसी थाली में छेद करते हैं, जबकि रवि किशन साहब का साफ तौर से ही कहना था कि हमने अपनी थाली खुद ही बनाई है, हमारा खुद का ही खाना है, और अगर ऊ थाली में कोई ड्रग हमको परोस के देगा तो हम थाली में छेद करेंगे ही। याने कहीं ना कहीं रवि किशन और जया बच्चन को लेकर के बॉलीवुड दो तबके में बट गया। कुछ लोग रवि किशन साहब को सपोर्ट करने लग गए तो कुछ लोग जो है जया बच्चन जी के लिए कहने लग गए। लेकिन इस बीच एक बहुत ही बड़ी खबर ये कि योगी जी को जब लगने लगा कि भैया रवि किशन हमारे बहुत ही अनमोल मोती हैं उत्तर प्रदेश गोरखपुर के लिए और पूरे जो है भोजपुरी समाज के लिए, तो उनकी सुरक्षा के लिए वाई श्रेणी आखिरकार उन्हें दे ही दी गई। आपको बताएं एक दिन का लाखों का खर्चा होता है। खैर बड़ा मजा आएगा दोस्त ये देखने में कि रवि किशन साहब की पहली तस्वीर कब आती है, जब वो ऐसे चल रहे होंगे और उनके पीछे दुनिया भर के गार्ड चल रहे होंगे इतना बड़ा बड़ा हथियार लेके। ई वाला अपडेट जो है आपको हम अगले वीडियो में जरूर बताएंगे। लेकिन आप जो है ना इस वीडियो को जो अभी बनाया है रवि किशन वाले को, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारे देसी भारत चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूले। और आपकी राय क्या है, आप हमको लेकर क्या सोचते हैं, इस न्यूज को लेकर क्या सोचते हैं, ये सारी चीजें भी कमेंटों में बॉक्सों में ना लिख दीजिएगा। फिर अगली अपडेट के साथ, फिर अगले वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, हर हर महादेव।